अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हमारी तरफ से सगुन आपके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। वैसे शगुन के लिए तो मैं भी कुछ लाया था आपकी बेटी के लिए। ओ, तुम्हारे लिए ही है। खोल कर तो देखो। फोन नहीं है ना, इसीलिए। व्हाट? आज के जमाने में तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? ओके, मैं दिला दूंगा। ये हमारे लिए? हाँ, तो और किसके लिए? पसंद आया? भोले बाबा की जय। अच्छी, बहुत ज्यादा। लेकिन हमें तो स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता। जिन्होंने दिया है वो चलाना भी सिखा देंगे, क्यों जीजा जी? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। यू आर वेलकम ऑलवेज। लेट हो रहा है मम्मी, अब चले? हम तो बहुत खुश हुए ये जानकर कि तुम अपने होने वाले मून पे जा रही हो। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अर्णव जी को वहां मुंबई में नौकरी मिल जाए, फिर तुम दोनों अपना घर वहीं बसा ले। चले मम्मी? हाँ चलो, हम कहाँ रोके। हाँ चलो बहुरिया, चलो चल। अरे ये क्या है, इतनी सारी फरमाइश? अरे यहाँ पे क्या हलवाई बैठे हैं? अबे छोड़ो ना दीदी, कहे कि वो हमारी पल्लों को खुश रखे हुए है ना, तो उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो कम है, कर लेते हैं। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वैसे तुम इतनी सारी साड़ियां लेके क्यों चल रही हो? ये सब वहां पे काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे टॉप और जीन्स पहनने वाली हो। जीन्स टॉप? लेकिन हमने आज तक नहीं पहनी। हाँ तो अब पहनोगी? और सिर्फ यही नहीं, हम ऐसी बहुत सी चीजें करने वाले हैं वहां पे जो हमने आज तक नहीं किया। यही तो अकेले रहने का मजा। 15 दिन के लिए सिर्फ तुम और मैं, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। ए बहुरिया, आई हाय, मैं कछु नहीं देखा, कछु नहीं, माफ करना। तो हमको लगा अर्णव जो है वो बाहर फोन पे बात कर रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आइए ना।
क्या बात है भाभी, आपने तो आते ही हमारे भाई लड्डू को लड्डू बना लिया। जब देखो जब चारों तरफ आपके ही रहते हैं। बचा लिया बहू रानी। मम्मी जी आइए। अरे मोरी, अरे हाय, आप ठीक हैं? अरे मोरी है बिटिया, अगर तुम नहीं होती हम सीधा सीढ़ियों से गिर के स्वर्ग से डर जाते। मम्मी क्या हुआ, मैंने आपकी आवाज सुनी? बेटा बहुत बड़ा कांड होने से बच गए हम। बहुरिया नहीं होती ना तो हम सीढ़ियों से ऐसे गिरते कि हमने प्राण पखेरे हो जाते। यूं तो आपकी बहू भाग्यवान है, किंतु आपकी बहू सास के लिए बड़ी ही भाग्यशाली है। ये बहू की कुंडलियां तो होंगी ना? हाँ। तो ले आइए देख लेते हैं। अभी लाते हैं हम। पंडित जी सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं मतलब? कुंडली के अनुसार इनका आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शनि वक्री दृष्टि राहु की ओर देख रहा है, जिस कारण आपके जीवन में बहुत सारी विपदा आने वाली है। आगामी 15 दिनों में तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो पंडित जी इससे बचने का कोई उपाय? एक ही उपाय है, आपकी बहू ये जब तक आपके इर्द गिर्द रहेगी इसकी छाया आप पर पड़ती रहेगी, आपको कोई विपदा छू भी नहीं सकती। और तो और मेरी ये एक सलाह आप मानिए, बबली देवी जी आप अपनी इस बहू को खुद अपने से दूर कभी मत करना, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये क्या कह रहे पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप दोनों के मस्तक पर तो यही लिखा हुआ है। ये कैसे संभव है? हमारी बहुरिया तो आज ही जा रही मुंबई हनुमान के लिए, वो भी 15 दिन के लिए। ये नहीं चलेगा, कौन दूसरा उपाय बताइए? इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बबली देवी जी। इसकी कुंडली भी यही कहती है कि यही आपकी रक्षक है, इस मुश्किल दिनों से यही आपको बचा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, आप हड़बड़ी में चल रही थी इसलिए फिसल गई, कोई भी फिसल सकता है, इसमें कुंडलियों का क्या लेना देना? ये कहाँ कह रहे हो तुम? ये हमारी इकलौती मम्मी की जिंदगी पे सवाल खड़ा हो रहा है और तुम ज्ञान दे रहे हो? अरे लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? आपने ये सारी बातें करके ना फालतू का तमाशा कर रही हो और कुछ नहीं। हम तमाशा कर रहे और क्या? हम तो मम्मी तभी देखो रहा है। चुप रहो तुम दोनों, किसी को कछु बोलने की कौन जरूरत नहीं है और किसी को हमारी फिक्र करने के भी कौन जरूरत नहीं है। हमरा का हम तो बुढ़ाए गए हैं, चला चली की बेला चल रही है हमरी। जिंदगी देख ली, सुख देख लिया, दुख देख लिया, बच्चों की खुशियां देख ली, सब तो देख लिया और कछु बचा है का? कछु नहीं बचा है। हर चिड़िया को एक ना एक दिन घोंसला छोड़ के उड़ ही जाना है, हम भी उड़ जाएंगे, भले 4 दिन पहले उड़ जाए कौन फर्क पड़ता है। अरे आप क्या कर रही हैं बबली देवी जी, ये 15 दिनों का मुश्किल समय बीत गया ना, तो फिर तो आपकी बड़ी लंबी आयु है। नहीं नहीं पंडित जी, इसराप है, हमका लंबी आयु नहीं चाहिए, हम एक माँ हैं और माँ को जान से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी है। ये बात से हमने ये फैसला कर लिया है कि अर्नब और पल्लवी दोनों मुंबई जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे और आज ही जाएंगे बस। मम्मी आपका लॉजिक ना बिल्कुल गलत है। हाँ बट आई एम हैप्पी कि आपने फैसला सही लिया, कुछ नहीं होगा आपको, आई एम 100% श्योर। पल्लवी मैंने पैकिंग कर लिया, तुम भी एक बार चेक कर लो कोई सामान ना रह जाए।
आपके लिए रिक्शा मंगवाऊं या खुद चले जाएंगे आप? मैं तो दक्षिणा का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, दक्षिणा तो जरूर मिलेगी ना। ये लीजिए। अच्छा बबली देवी जी, अब मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम मंदिर जाएंगे, घुटनों पे परिक्रमा करेंगे। हमारा बिट्टुआ निर्मोही हो सकता है, लेकिन माता रानी निष्ठुर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हो सकता है वो पसी जाए हमारी पीड़ा देखकर, और पोता और पोती का मुंह देखने के लिए हमें थोड़ी जिंदगी बख्शते। रुक जाइए मम्मी जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अर्णव जी के साथ मुंबई नहीं जाएंगे। नहीं बेटिया, ऐसा ना ही करो। हमरे लिए तुम अपनी खुशियों का बलिदान क्यों दोगी? नहीं नहीं मम्मी जी, एक लड़की के लिए उसके ससुराल में उसकी सास ही उसकी माँ होती है, और कोई भी बेटी अपनी माँ को तकलीफ में देखकर खुश कैसे रह सकती है? अगर हमारा साथ आपको इस मुश्किल समय के साए से बचा सकता है, तो हम यही रहेंगे आपके साथ। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने तो हमका अपनी अम्मा मान लिया, लेकिन अर्णव वो तो हमका दोषी ठहराएगा ना। वो तो यही समझेगा कि हमने तुमका बहलाया है, फुसलाया, ई वास्ते तुमने ये ऐसा फैसला लिया है। ऐसे कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हम बात करेंगे अर्णव जी से। हेलो। हाँ पंडित जी, मेरी दक्षिणा तो दे दो। जरा भी सबर नहीं है आपको? हाँ, आपकी नई सेवा के लिए हम दक्षिणा भिजवाएंगे, अभी भिजवा दें। तो क्या कहा था हमने कि हम पल्लवी के मुंह से ही कहलवाएंगे कि वो मुंबई नहीं जाएगी। तो अपनी अम्मा को नहीं मानती हो तुम? सूतली में आग लगा देने का मतलब ये नहीं कि पंप फटेगा। अगर अर्णव नहीं माना ना, तो हम बता रहे हैं तुम्हारा गुड़ का गोबर होगा मम्मी। जब देखो बकलोली करती रहे, कड़वा बोलती हो। बकलोल कहेगी था। क्या हुआ, कुछ कहना? जी अर्णव जी। हम आपके साथ मुंबई नहीं चल सकते। व्हाट? तुम मुंबई नहीं चल रही हो? जी। क्यों? क्योंकि मम्मी जी को हमारी जरूरत है, और ऐसे कठिन समय में उन्हें अकेला छोड़ देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए। तो तुम मम्मी की वजह से नहीं चल रही हो, या तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ चलने का? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों चाहेंगे ऐसा? और बस कुछ ही दिनों की बात है ना, बस 15 दिन, उसके बाद भी तो हम हनीमून के लिए जा सकते हैं ना। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम होती कौन हो ये फैसला अकेले लेने वाली? I'm your husband. पति हूं मैं तुम्हारा पल्लवी। मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी, कहां जाओगी और कहां नहीं जाओगी। ओके, हम दोनों मुंबई जा रहे हैं, दैट्स फाइन।
भोले बाबा की जय। आप हमें गलत समझ रहे हैं अर्नब जी, हम आपके साथ मुंबई चलना चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? हाँ बताओ मुझे, लेकिन क्या? लेकिन अगर मम्मी जी की इस परेशानी में हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पल्लवी, परेशानी अलग बात है, वहम अलग बात है। मम्मी को वहम हो रहा है, उसको कोई इलाज ही नहीं है। ये राहु केतु शनि कुंडली, मम्मी इन सब में मानती है बिकॉज वो पुराने जमाने की, उनकी सोच पुरानी है। लेकिन तुम इन सब में कैसे विश्वास कर सकती हो? तुम तो आज के जमाने की हो ना। हाय हाय, अपनी अम्मा को पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहा है नालायक कहीं का। नो 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 नो, ऑफ कोर्स आई एम रॉन्ग एंड यू आर राइट। तुम रख सकती हो, बिकॉज तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना। अर्नब जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा तो ओके, मैं समझने की कोशिश करूं? मतलब जो तुम बोल रही हो वो सही बोल रही हो, मैं गलत बोल रहा हूँ? जो भी मैं सोच रहा हूँ मैं गलत सोच रहा हूँ, तुम सही सोच रही हो? ओके, आई अंडरस्टैंड, यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग। चलो तुम मेरे साथ। अर्नब जी हमारी बात तो सुनिए। अर्नब जी हम कह रहे हैं, अर्नब जी हमारी बात। बेटा कहाँ ले जा रहे हो बहू को? नहीं चलना चाहती ना तुम मेरे साथ मुंबई? हमने ये फैसला मम्मी जी के लिए लिया था, बस 15-20 दिनों की तो बात है ना। एक बार कुंडली का बुरा योग खत्म हो जाए उसके बाद अब हमें जहाँ लेकर जाएंगे हम चलेंगे। पति हूँ मैं तुम्हारा, कोई गुलाम नहीं हूँ जो सर झुका के तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगा। हमने कब कहा ऐसा? ऐसा कहा नहीं, लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो? आखिरी बार पूछ रहा हूं पल्लवी, तुम मेरे साथ मुंबई चलोगी या नहीं चलोगी? ठीक है, नहीं चलोगी ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी टिकट नहीं चलना चाहती थी ना, लेकिन अब मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता। हम बात करते हैं भाई साहब से, आप रुकिए। पल्लवी, माँ, बड़ी माँ, माँ लोग बैठे, हम मुंह धो कर। समधन जी ई का है। ऐसा है कंचन जी, कछु देर पहले जब हम आपके घर पे आए थे और प्रथम को थप्पड़ पड़ रहा था, हम तो राय पूछे कि ये सब का हो रहा है समधन जी, तो आप कौन हक से हमसे ये बात कर रही है, हमसे ऐसे पूछ रही है? हाँ, और वैसे भी आपकी बिटिया जो है वो अब पराई हो गई। अब पराए घर में, पराए मामलों में आप ऐसे ना घुसेड़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। समधन जी, आपकी बेटी भी तो आप ही के साथ खड़ी है ना, क्या आप कह सकती हैं कि आपकी बेटी पराई हो गई है? क्या आप कह सकती हैं कि इसकी तकलीफ से आपको तकलीफ नहीं होती? कह सकती हैं आप? जी जी, चुप हो जाओ, हम लोग लड़की वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा, नए रिश्ते बन जाने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं हो जाते बबली। एक माँ का हक ही नहीं,
फर्ज भी बनता है कि वो अपनी बेटी की खोज खबर रखे। अच्छा तो आप अपना ई फर्ज काहे नहीं निभाई दाई माँ? तो आपने काहे खोज खबर नहीं ली अपनी बिटिया की? उल्टा उका बोझ जो है हमरे माथे मात दी है शिवा, जिसे बचपन से लेके आज तक हम उठाए जा रहे। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो सीधा हमरे मुंह पे आके बोलिए ना। बबली देवी जी, ओ हम लोग ना खाना लेकर आए थे। हाँ वो रसोई में रख दीजिए दाई माँ। मम्मी क्या कांड कर डाला तुमने, तो दोनों लव बर्ड्स के बीच में कांड ही हो गया है। तो चुनौती किसने दी थी? हाँ हम तो जीत गए। अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए भोले बाबा, हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ मुंबई चलो। आप अपनी इस बहू को खुद अपने से दूर कभी मत करना, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अर्णव जी के साथ मुंबई नहीं जाएंगे। कभी भी तेरे मन में कोई दुविधा जागे तो बस इस शिव पुराण का कोई भी पन्ना पढ़ लेना, तेरे सारे सवालों के जवाब तुझे मिल जाएंगे। सती जी शिव जी से कहती हैं, हमारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है, उनकी पुत्री होने के नाते हमारा वहां उपस्थित होना उचित है। शिव जी उनकी बात सुनकर कहते हैं, नहीं सती, बिना आमंत्रण हमारा वहां जाना उचित नहीं है। परंतु पिता की मोह में पड़कर सती जी शिव जी की बात को अनसुना कर देती है। महाराज दक्ष की सभा में पहुंच जाती है, वहां उन्हें अपने ही पिता के हाथों अपमानित होना पड़ता है, जिसे वो सह नहीं पाती और यज्ञ की आग में कूद कर अपनी जान दे देती है। इसका मतलब हुआ सती जी को शिव जी की बात मान लेनी चाहिए थी। पति परमेश्वर होता है बहुरिया, और हर पत्नी का जो फर्ज है कि वो अपने पति की बात माने, वो की परछाई बन के रहे। अगर पति चले तो चले, पति रुके तो रुके। हर औरत को अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। क्या आपको सच में लगता है सती जी को शिव जी की बात माननी चाहिए थी? बिल्कुल माननी चाहिए थी। हम नहीं मानते श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की बात? अरे मजाल है कि कब चूके हैं हम। अरे शादी के बाद हर औरत के सारे रिश्ते अपने पति से जुड़े होते हैं। हाँ, इसका मतलब हमें अर्णव जी की बात माननी चाहिए थी। हाँ, और हमें उनके साथ मुंबई जाना चाहिए। हाँ, है? हाँ? बेटिया वो पंडित जी वाली बात का क्या करोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए समधन जी। मत बोल जी, वो दाइमा ने हमें सब कुछ बता दिया। अच्छा? हमने अपने पंडित जी से बात भी कर ली है, उन्होंने कहा है कि बस एक छोटी सी पूजा करानी होगी, कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा।
सच्ची बड़ी माँ? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आप। हाँ, अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि अर्नब और पल्लवी दोनों साथ साथ जाए मुंबई, खुशी खुशी जाए। लगता है माता रानी ने हमें सुन ली। थैंक यू मम्मी जी। हाय मेरी बहुरिया। आपको भी थैंकू बोले बाबा, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हमारी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए। थैंकू 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 वेरी मच। हम अर्नब जी को बता के आते हैं। माता रानी। हाय माता रानी। कब कुछ नहीं मम्मी, तुम अपना नाम बदल लो, क्योंकि कहा है ना कि तुम्हारा प्लान अब तो खुश हो गया। खुश की देवी रख लो तुम। हम आपके साथ मुंबई आ रहे हैं अर्नब जी। मम्मी जी ने खुद कहा है कि हम आपके साथ मुंबई चल सकते हैं। ओह गुड, वेरी गुड। बट क्या है ना कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। अब मुंबई में अकेला ही जाऊंगा, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी टिकट ही फाड़ चुका हूं, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर हम कोई दूसरी टिकट ले लेते हैं ना। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, या फिर जो टिकट आपने फाड़ दी थी उसे हम चिपका देते हैं, उससे शायद काम चल जाएगा। हाँ आप ज्यादा परेशान मत होइए पल्लवी जी, भाई साहब आपके साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, वो आपकी ये टिकट इनके फोन पर होगी, आपका काम हो जाएगा। सच्ची? तो फिर उस फिर से पैकिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, फिर आप लोग पैकिंग कर लीजिए, हम बाहर चलते हैं। सुन ना, मेरे वो कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं पहनता नहीं हूँ, तू ले जा, तेरे काम आ जाएंगे। वैसे अब आपका शुक्रिया भाई साहब, लेकिन फिलहाल मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो भी एक दो दिन पहले ही शॉपिंग की थी मैंने, तो हो एटीट्यूड एटीट्यूड शिवा, नाइस। वैसे दिख रहा है कितनी शॉपिंग की है तूने। कोई बात नहीं, तुझे कपड़े नहीं पहनने ना, इधर जाके मम्मी को दे दे, पोछे के काम आ जाएंगे। शिवा सर, वो हम आपको एक बात बता देना चाहते पल्लवी जी, हमें ना बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसने हमें दोस्त कहा है अगर वही हम पर दया दिखाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए प्लीज। दोस्ती अभी नहीं है, शायद इसीलिए अपनी दोस्त की आंखों को पहचानने में आपसे गलती हो रही है। जिसे आप दया समझ रहे हैं वो दया नहीं है, फिक्र है। अपने दोस्त के चेहरे से मुस्कान को गायब होते देखा तो उसे लौटाने की एक कोशिश करने चले आए। इसे यहां लगा लीजिए। लीजिए। लगा लीजिए। थैंक यू। अब आप अंदर जाइए वरना भाई साहब अकेले ही निकल जाएंगे।
और फिर आप यहीं रह जाएंगी। तो फिर आप हमें चलकर पॉप कर दीजिएगा। उसे पॉप नहीं, ड्रॉप कहते हैं। जी वही, तभी तो दोस्त है ना, दोस्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे या रास्ते में छोड़ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। आप अब भी नाराज हैं हमसे? तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। अब हमसे जो कहेंगे ना हम वो करेंगे पक्का। अब कहिए हम कान पकड़ कर उठक बैठक करें। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो फिर बताइए ना हम क्या करें जिससे आपका मूड ठीक हो जाए। वैसे एक तरीका कौन सा तरीका आप बताइए। हम वो करेंगे पक्का करेंगे। ये पहन कराओ। ये क्या है? ये पहनकर दिखाओगी तो शायद चांसेस हैं कि मेरा मूड ठीक हो जाए। लेकिन ये कैसे पहनेंगे हम? अभी तो तुमने कहा कि तुम कुछ भी करोगी। हाँ लेकिन ठीक है, अब तुमने डिसाइड कर ही ली है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। जो मैं कहूंगा तो कोई बात ठीक है, हम पहनेंगे। वैसे हम तो जिंदगी भर से दाल चावल ही बनाते आए हैं, वो तो पल्लवी ने हमको ये सब बनाना सिखाया है इसलिए बना लेते हैं। तुम्हारी तो किस्मत चमक गई बबली, है ना? थोड़ा कुछ अपनी बेटी को भी सिखा दिया होता। हमारी सास का हमारी बुराई के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। ससुराल में भी जान खा रही है और यहाँ प्राण पी रही है। बहू को तो बुलाओ, तैयार हुई कि नहीं? तैयार हो रही होगी। हा? नहीं नवेली दुल्हन, थोड़ा समय तो लगता है ना। तो ठीक है ना, तब तक हम दहेज देख लेते हैं। हाँ ये भी सही रहेगा, तब तक बहुरिया तैयार होके आएगी, वो दहेज का सामान जो है दूसरे कमरे में। आओ चलो। भोले बाबा की जय। ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई फटा हुआ थैला ही पहन लिया हो। तो अर्नब जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। अब मुझे खाने का वक्त हो रहा है और हम यहाँ फंसे पड़े हैं। वैसे तो सारा जौनपुर जानता है हमारा घर जो है दहेज के कितने खिलाफ है। हा? लेकिन हम बहुरिया का परिवार पीछे पड़ा, कहने लगे दहेज नहीं प्रेम है, कैसे मना करे। ये अर्नब जी यहाँ क्यों नहीं रहे? मैं मुझे खाने के लिए तैयार भी होना है। अर्नब जी, समदन जी, ये तो आपकी बहू है ना?
अरे बेटा जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। हाँ हाँ जरा अपना मुंह तो दिखा। ऐसी मुंह दिखाए हमने ना कभी देखी है ना ही सुनी है। एकदम सिनेमा वाली बहू लेकर आई है बबली, बिल्कुल नए जमाने की है, मोहल्ले में पहली है और अकेली है। हाँ गॉड, अंदर तो पल्लवी है और ये लोग। निकल ले बेटा अर्नव, वरना तू भी लपेटे में आ जाएगा। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।